नमस्कार, मैं चंचल ठाकुर और आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी न्यूज। तो आइए रुक करते हैं खास खबर की। जमवर रामगढ़ पीएम मोदी की सभा में शामिल हुए हजारों की संख्या में भाजपाई जमवर रामगढ़ भाजपा नेता महेंद्र पाल मीणा बोले, पीएम मोदी की सभा में कार्यकर्ताओं को मिली नई ऊर्जा। जमवर रामगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में सोमवार को हुई सभा में जमवर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भाजपा नेता महेंद्र पाल के नेतृत्व में हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा नेता महेंद्र पाल के नेतृत्व में जमवर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की परिवर्तन संकल्प महासभा जयपुर में पहुँचे हैं। सभा को देखकर कार्यकर्ता को नई ऊर्जा मिली है। बता दें कि जमवर रामगढ़ भाजपा नेता ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जयपुर में स्थित दादिया गांव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा हुई, जिसमें जमवर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से गांव-गांव ढाणी करीब हजारों कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थक पहुँचे हैं। इसमें प्रत्येक जमवर रामगढ़ विधानसभा 50 गाड़ियों व प्रत्येक बूथ से एक छोटी गाड़ी से हजारों कार्यकर्ता जनसभा में पहुंचे हैं। खास बात तो ये रही है कि इस सभा में अधिकांश लोग अपने स्तर पर मोदी के नाम से जयपुर पहुंचे हैं। उन्हें सुनने के लिए हर कोई बेताब दिखा। भाजपा महेंद्र पाल मीणा ने बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने देश का नाम इंटरनेशनल स्तर पर ऊँचा किया है, वह गौरव का विषय है। उनकी सभा में अपेक्षा से ज़्यादा लोग पहुँचे हैं। महेंद्र पाल मीणा ने कहा कि पीएम मोदी की सभा से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब जनता समझ चुकी है कि गहलोत की राज्य सरकार ने वादों के अलावा कुछ नहीं किया है। जिस तरह के से लोग लुभावनी घोषणाएं की जा रही है, वैसा धरातल पर नहीं है। लोगों को पर्याप्त सुविधाएँ नहीं मिल रही है। बता दें कि लाखों लोगों ने पीएम मोदी की बातों में विश्वास किया है और लोग समझ गए हैं मोदी के बिना देश का विकास नहीं होगा। मोदी है तो मुश्किलों से मुश्किल काम भी हो जाएगा। जिंदाबाद, 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 बीजेपी।